नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स। हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है क्लास 10th का, यानी कि चैनल नंबर 10 पर आप हमें देख रहे हैं। आज सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टुडेज मैथमेटिक्स क्लास इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 1। यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में आज आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये उसका भाग एक है, यानी कि ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो आज कितना कवर कर पाएंगे देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले 30 मिनट आप इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहें तो 8800440559 इस नंबर का प्रयोग करें और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सीधे अपना सवाल पूछें। आप चाहें तो क्लास 10th की ईमेल आईडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, मिस सविता ग्राक। आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में। सविता जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। जी नमस्कार राहुल जी, और हमारे सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्लास 10th के बच्चों को हम ये कैसे समझाने वाले हैं, हालांकि क्लास 10th के बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, तो किस प्रकार से वो सरफेस वॉल्यूम्स और एरियाज के बारे में जानेंगे बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल राहुल जी, जो टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे आस पास मैथमेटिक्स इतने अच्छे से है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कुछ एक फॉर्मूलाज में हमारे बच्चे सोचते हैं कि उलझ कर रह जाते हैं, ये पता नहीं क्या है। अदरवाइज अगर हम रियलिटी में सोचते हैं तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करें, या इससे पहले हमने बात की थी कॉन्ग्रुएंसी की, हमने बात की थी सिमिलैरिटी की, तो दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर देयर इंक्लूडेड इन आवर डेली लाइफ। सरफेस एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा सरफेस जिसे हम टच कर पाते हैं, इफ आई एम एबल टू टच माई हैंड तो दैट मीन्स दिस इज द एरिया, इफ आई एम एबल टू टच द वॉल दैट मीन्स दैट इज द एरिया। कहीं भी जैसे अगर हम वॉल की बात करें, हम वॉल पे पेंट कर पा रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज द एरिया। और वॉल्यूम क्या है, जैसा कि मैं एक रूम में बैठी हूँ, आप बैठे हैं, हमारे दर्शक बैठे हैं जी। तो ये जो रूम है, जिस स्पेस में हम बैठे हैं, जिस स्पेस में हमारा टेबल, चेयर, बेड, फ्रिज, ये सब सामान रखा है, दीज थिंग्स आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। ओके, दिस इज बेसिक, बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है सरफेस एरिया, और क्वेश्चन में ऐसा रहता है समटाइम्स राहुल जी की डायरेक्ट नहीं बात होती कि फाइंड द सरफेस एरिया। हमारे स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन आता है, देयर इज अ रूम, वी नीड टू पेंट फोर वॉल्स एंड द सीलिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारे बच्चों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पेंट जो है वो वॉल पर हो रहा है, सीलिंग पर हो रहा है, वही पोर्शन एरिया है, राइट। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमने ये एक रूम है और इस रूम में हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, या एक गोडाउन है, उस गोडाउन की शेप एक क्यूबॉइड जैसी है, उस क्यूबॉइड शेप के गोडाउन में हमने कुछ और छोटे छोटे क्यूबॉइड शेप्स के बॉक्सेस रखने हैं, या ऐसे ही एक ट्रक है वो कुछ बॉक्सेस को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी कैरीड बाय दैट पर्टिकुलर ट्रक, और हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी पुट इन दैट पर्टिकुलर गोडाउन। तो जब हम किसी जगह पर कुछ सामान रख रहे हैं दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। यानी हमारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखकर समझ आना चाहिए कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या फिर सरफेस एरिया। ओके, अभी वन बाय वन हम बात करते हैं, व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग दीज वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। क्यूबॉइड, सो वी नो दैट क्यूबॉइड इज सच टाइप ऑफ शेप। अगर हम इस शेप को देखते हैं, दिस इज अ 3D शेप जिसमें हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो कोई भी ऐसी शेप जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 डायमेंशंस होती हैं, दैट इज नोन एज अ क्यूबॉइड। और अगर क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द 6 फेसेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। 1, बिल्कुल इसके अपोजिट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो किसी भी क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं, सभी के सभी फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में हैं, तो व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया का डिस्कशन हम पहले करते हैं। इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 इंटू एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल
or we can take 2 common, then the final formula will be 2 into LB plus BH plus HL. जहां पर L is representing the length, B is representing the breadth, and H is representing the height of that cuboid. तो हम देख सकते हैं ये 2-2 यहां पर क्यों लग रहा है, dear viewers? This is a rectangle. The area of this rectangle is L into H. इसके बिल्कुल अपोजिट साइड आपको एक और रेक्टेंगल दिखाई दे रही है, दैट इज दिस बैक वन रेक्टेंगल. ये जो हमें बैक में रेक्टेंगल, अगर हम इसे हाईलाइट करते हैं तो हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे दिस पर्टिकुलर फेस. सो दैट विल ऑल्सो बी सेम. देयरफॉर द वॉल्यूम, द सरफेस एरिया ऑफ आर क्यूबॉइड विल बी 2LH प्लस 2. इसी तरह से अगर हम इधर देखते हैं, दिस इज द फेस, इसी के एडजेसेंट फेस ये इधर है. सो फॉर दैट द एरिया विल बी 2BH एंड फॉर द टॉप एंड बॉटम द एरिया इज हियर 2LB, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. क्योंकि एक रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है L इंटू B है. अगर दो रेक्टेंगल्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, देन द एरिया विल बी 2 इंटू L इंटू B. So the total surface area is 2 into LB plus BH plus HL. अभी total surface area के साथ ही हम बात करते हैं lateral surface area. Now what do we mean by lateral surface area? Lateral surface area means आप किसी भी cuboid का top and bottom को reduce कर देंगे. अगर मैं कहती हूँ find the cost of whitewashing the four walls of a room, तो four walls का मतलब है हम lateral surface area की बात कर रहे हैं. हमने top और bottom दोनों को छोड़ दिया है, and in that case this 2LB will not be there. अगर 2LB नहीं है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2BH plus HL. H can be taken common from here, और हमारा जो formula develop हो रहा है that is 2H into L plus B. This is the final formula. Now, what do we mean by the volume of a cuboid? The volume of a cuboid is L into B into H. Length into breadth into height. ये formula कैसे develop हुआ हम ये भी discuss एक बार कर लेते हैं. इसके लिए थोड़ा सा visualize करेंगे हमारे viewers. क्या मान लीजिए आपके पास एक paper की sheet है, single rectangular sheet of paper is there. और वो जो शीट है आपने एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, पांचवी, 10, 100, 200, 500 शीट्स रख दी. तो जब आप रेक्टेंगुलर शेप में बहुत सारी शीट्स ऑफ सेम डायमेंशंस रख रहे हैं एक के ऊपर एक, तो यू आर एबल टू ऑब्जर्व अ क्यूबॉइड. और जो क्यूबॉइड आपने ऑब्जर्व किया उसका बेस जो है वो रेक्टेंगल है. बेस का एरिया हमें पता है एल इंटू बी. और लेट मी से कि हमने जो क्यूबॉइड ऑब्जर्व किया वो अप टू हाइट एच है. ऑल राइट, आपकी नोटबुक है, आपकी किसी भी सब्जेक्ट की बुक है, आपकी मैथमेटिक्स बुक है, ये सभी जो बुक्स हैं इनकी शीट क्यूबॉइड है. जब एक के ऊपर बहुत सारी शीट्स ऑफ वेरी वेरी लेस थिकनेस रखी जाती है तब भी हमें क्यूबॉइड की शेप दिखाई देती है. और अगर ओवरऑल थिकनेस एच है तो फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम बिकम्स एल इंटू बी इंटू H, क्योंकि हमने हाइट को वहां पर इंक्लूड किया है. देन इट विल बी नोन एज द वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड? किसी भी क्यूबॉइड को डायगोनल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. जैसे हमने अभी क्यूबॉइड को डिस्कस किया, ठीक इसी तरह से क्यूब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. आपको ये शेप मेरे हाथ में जो है या फिर जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन दोनों शेप्स को देखकर हमें समझ आ रहा है कि यस दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूब. क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ इक्वल होने के कारण ये क्यूब है. ओके, हम लोग बचपन में क्यूब से खेलते भी थे. मुझे याद है हम लोग डाइस से स्नेक्स एंड लैडर खेला करते थे. जो खेलते थे अनडाउटेडली तो वही सब है, वो लूडो ही है. और लूडो का अगर हम पूछते हैं कि जहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब डिजिट्स हमें विजिबल हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स, तो उन फेसेस का एरिया क्या होगा? तो अब देखिए सभी फेसेस बिल्कुल सेम है तो हर फेस की डायमेंशन को अगर ए मान लेते हैं तो इस फेस का एरिया हुआ ए स्क्वायर. और उस डाइस में, उस क्यूब में हमारे पास 6 टोटल फेसेस हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ?
डेफिनेटली 6a² और अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया में 1, 2, 3 and 4 ओनली 4 साइड्स के हम डिस्कशन कर रहे हैं, टॉप एंड बॉटम को आप छोड़ रहे हैं. इन दैट केस द सरफेस एरिया विल बी 4 साइड्स है तो क्या होगा, 4 into a² लेट अस डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम नाउ. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, जैसा कि हमने क्यूबॉइड में बात की थी, एल इंटू बी इंटू एच. क्यूब के लिए एल बी एच ये सभी डायमेंशन इक्वल, राइट. अगर ये सभी इक्वल है तो हमारे पास फॉर्मूला जो डेवलप हो रहा है, दैट इज इट इज ए क्यूब, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स. और डायगनल की अगर आप बात करेंगे राहुल जी, इट इज a² + a² + a² क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था दैट l² + b² + h² √ विल बी नॉन एज द डायगनल ऑफ अ क्यूबॉइड. तो इसी तरह से डायगनल ऑफ अ क्यूब के लिए ये तीनों डायमेंशन इक्वल होने के कारण हमारे पास आंसर आ रहा है √3 × side² विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज √3a. इफ इट इज कम्प्लीटली रिटन देन इट इज √3a² अदरवाइज इट इज √3a. a² दैट हैज बीन टेकन आउट ऑफ द रूट, दैट्स व्हाई इफ वी टेक दैट आउट ऑफ द रूट दैट कैन बी रिटन एज a only. नाउ द नेक्स्ट शेप इज अ सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप भी हम ऑब्जर्व करते हैं. सिलेंड्रिकल शेप की स्टिक हमने अपने टीचर के हाथ में देखी है, सिलेंड्रिकल शेप की ट्यूबलाइट हम देखते हैं जी. और सिलेंड्रिकल पिलर हमारे घर में है, एवरीवेयर सिलेंड्रिकल शेप्स आर देयर. एंड सिलेंड्रिकल शेप से पहले अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल शेप का, सिर्फ ये प्लेन सर्फेस अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसी शेप है, सर्क्यूलर. दिस इज अ सर्कल, यस. अब क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी मैरिज पर गए हमने सर्कल प्लेट, सर्कुलर प्लेट के ऊपर सर्कुलर प्लेट, तीसरी चौथी पांचवी छठी बहुत सारी सर्कुलर प्लेट्स रखी, तो हमें जो शेप दिखाई देती है दैट इज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म. यस, ओके. तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए अगर हम बात करते हैं कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2πr द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सर्कल कर्व्ड सरफेस एरिया ना बोलकर हम इसे बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कि एक ही सर्कल है, उसकी थिकनेस को हम निग्लेक्ट करते हैं, उसकी थिकनेस को हम अप्रोक्सीमेटली नील मानकर चलते हैं. तो जब हमने ऐसे से बहुत सारे सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर रखे तो क्या हुआ, द सर्कमफेरेंस ऑफ वन सर्कल मल्टीप्लाइड बाय h दैट विल बी नॉन एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πrh, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, कर्व यानी दिस पोर्शन व्हिच इज दिस कर्वी पोर्शन ऑफ द सिलेंडर. एंड टोटल सरफेस एरिया में हम ऐड करेंगे द अपर मोस्ट सर्कल एंड द लोअर मोस्ट सर्कल, इन दोनों सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दिया जाएगा. ओके. और सर्कल का एरिया हमारे व्यूअर्स अपनी बहुत छोटी क्लासेस से जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr², अगर दो सर्कल है तो इट इज 2πr² एंड इन दैट केस द टोटल सर्फेस एरिया इज 2πr कैन बी टेकन कॉमन एंड इट इज 2πr × h + r² units. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज अगेन द एरिया ऑफ वन सर्कल πr² एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज h. बिल्कुल इसी तरह से राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर मीन्स कि सिलेंडर के अंदर का जो पोर्शन है वो होलो है, खाली है. यानी हम बोल सकते हैं कि इनर सर्कल, आउटर सर्कल, अपर पोर्शन पे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरह से इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल हम लोअर बेस पर देख पा रहे हैं, और इन दोनों की ज्वाइनिंग के कारण ये जो कंप्लीट फिगर बन रही है दैट इज अ होलो सिलेंडर. तो होलो सिलेंडर के लिए अगर हम बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, अब हम इस सिलेंडर को अंदर से भी टच कर पा रहे हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है. ये पूरा पोर्शन भी जो है अभी ये होलो होने के कारण टचेबल है. एंड ऑल द पोर्शन विच इज टचेबल दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इस होलो सिलेंडर का, 2πr h + 2πr h, जहां कैपिटल R हमें शो करता है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड स्मॉल r इज शोइंग हियर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल.
व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया नाउ? टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर हम इस होलो सिलेंडर को जस्ट ऐसा करके देखते हैं सामने से, तो हमें इसका फेस इस तरह से शो हो रहा है जी। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम टच कर पा रहे हैं, और ये एरिया क्या होगा? फॉर बोथ ऑफ द सर्कल्स 2πr² - 2πr² एक सर्कल के लिए πr² - πr², बट हमें पता है कि यहाँ पर दो सर्कल्स हैं बेस और टॉप पर, सो द टोटल सर्फेस एरिया विल बी डिफाइंड बाय दिस। नाउ व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? दैट इज वेरी इजी। वॉल्यूम इज जस्ट एंड ओनली द वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर। नेक्स्ट शेप इज ऑफ अ कोन। कोन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द कोन? आइसक्रीम कोन इज देयर, आर बर्थडे कैप्स आर देयर, सो दीज आर द शेप्स ऑफ ऑफ अ कोन जी। दिस इज स्ट्रेट हाइट ऑफ आर कोन, रेडियस है, हमें एक ट्राइंगल ACB विजिबल हो रही है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग L² = R² + H² एंड स्लैंट हाइट को इजीली हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में होगा क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला इज πRL, और पाई आर एल में स्लैंट हाइट का यूज हो रहा है, पर जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन की, सो द फॉर्मूला इज 1/3 πr² h, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट। वहां यूज हो रही है दो वैल्यूज आर एंड एच, तो समटाइम्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा रेडियस एंड हाइट, स्लैंट हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। There is a quite possibility that in the question हमें radius given है, slant height given है, और volume पूछी जा रही है। तो volume के लिए h calculate करना है, so by applying the same formula we will find the value of h, और h की value find करने के बाद हम अपने volume calculate कर सकते हैं। Now the next shape is a sphere. Okay. Sphere is totally round in shape. There is a big difference between a sphere and a circle. Yes. Circle is a two-dimensional shape and sphere it is a three-dimensional shape. Okay. And what is the surface area of a sphere? It is 4πr². अगर हम बात करते हैं कि surface area of a square हमारे viewers कैसे calculate कर सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि it is 4πr², तो उसकी छोटा सा example, एक छोटी सी activity हम करके देख सकते हैं। एक्टिविटी क्या है? आपके पास एक मान लीजिए ऑरेंज है, आपको वो लगभग अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल रहता है शेप में, उसको पील ऑफ कर लेते हैं, उसको पील ऑफ करके सेम रेडियस के हम कुछ एक फोर सर्कल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ सेम रेडियस, एंड आफ्टर डूइंग दिस वो जो पील ऑफ किया हुआ वो जो सारा छिलका है ना, वो हम यहां पर अगर पेस्ट करके देखेंगे we will be able to find कि ये four के four circles पूरी तरह से cover हो जाएंगे, यानी कि surface area of a sphere जो है उसने इन four circles के area को cover कर लिया, और हमें पता है एक circle का area रहता है πr², therefore the surface area of a sphere is 4 × πr² and what about the volume? It is 4/3 πr³. Hemisphere, that is damn easy. सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया इज हाफ ऑफ दैट ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर के लिए इट वॉज 4πr², हेमिस्फीयर के लिए इट विल बी 4πr² / 2, हाफ ऑफ दैट। एंड व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया? हमें टॉप का जो बेस है हमारे हेमिस्फीयर को, वो सर्कल को ऐड करना होगा, यानी कि वी विल ऐड πr² टू द कर्व सरफेस एरिया, एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग 3πr² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, एंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, जैसा कि हमने बात की कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 πr³, फॉर हेमिस्फीयर इट विल बी हाफ ऑफ द स्फीयर, एंड इफ इट इज हाफ ऑफ द स्फीयर देन वी आर गेटिंग 2πr³/3. So these are the formulas which will be used while solving various problems. And in class 10, if we talk about the shapes, basically हमारे viewers के सामने जो shapes आएंगी, single shapes के आने के chances कम हैं. यानी this is a cuboid, find its area, or this is a cuboid, find the cost of painting. Class 10 के viewers ये समझ कर चलें that we will discuss about the surface area or volume for the combined shapes.
जैसे हम यहाँ पर कुछ एक शेप्स देख सकते हैं. इन द वेरी फर्स्ट शेप हेयर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू 3D शेप्स. एट द बेस दिस इज अ सिलेंडर एंड द टॉप इज कॉनिकल. बाई टेकिंग दिस सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल शेप्स वी आर बींग एबल टू फ्रेम अ टेंट. इसी तरह से आइसक्रीम कोन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं so there are two shapes basically. One is a conical shape and the other is semisphere. Yeah, right sir, it is a hemisphere. Hemisphere, okay. If we see the shape of a capsule up to here we are able to, क्योंकि हमें पता है कि कैप्सूल जो है मेडिसिन लगभग हर बच्चे ने देखी है, हम सब ने देखी है. सो दिस इज सिलेंड्रिकल इन बिटवीन. यस, बोथ साइड पर जो शेप रहती है ये फिर से क्या है? हेमिस्फीयर. तो अगर कोई भी टीचर मेरे स्टूडेंट को पूछता है, मैं हमारे व्यूअर्स को पूछता है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल, दैट इज डायरेक्टली द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑन द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर. इसी तरह से दिस इज अ टेंजर डॉल, इसमें भी वी कैन सी इट इज अप्रोक्सीमेटली अ कोन एंड at the base it is a hemisphere. Right. तो इसी तरह की बहुत सी combined shape के बारे में हम बात करेंगे. Let us discuss about the surface areas first. अभी तक हमने जितना सब discuss किया, this was the basic of the chapter. अगर हमें ये सब पता है तो हम बहुत easily अपने questions को solve कर पाएंगे. हमें formulas पर command रखना बहुत ज्यादा important है. और अब discuss करते हैं first question. Please. The question is saying two cubes volume हमें given है कि इन दोनों cubes से volume क्या है. इन्हें join किया गया है end to end. Figure में हम देख सकते हैं जब इन दोनों cubes को हमने join किया तो उनके join होने के बाद जो नई shape मिल रही है that is the shape of a cuboid. दोनों ही cubes की volume हमें given है 64 cm³ and we know that for the cube the formula for finding the volume is a cube or we can say h cube. Now we just have to think ki 64 kis cheez ka cube hota hai. 64 is the cube of 4 as it is 4 into 4 into 4. So yahan se edge of a cube hamare viewers nikal payenge that the value of this edge is 4 units, the value of this edge is 4 units. Undoubtedly height bhi 4 rahegi aur jo hamari width hai wo bhi रहेगी क्योंकि ये शेप एक क्यूब की है. लेकिन जब हमने इन क्यूब्स को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद एक नया क्यूब फ्रेम कर रहे हैं, अब इस क्यूब के लिए लेंथ क्या हो गई? दिस वाज 4, दिस वाज 4, सो दिस लेंथ विल बी 4 + 4. इसी तरह से व्हाट इज द ब्रेथ, दैट इज आल्सो 4 एंड व्हाट इज द हाइट, दैट विल स्टिल बी रिमेनिंग 4 क्योंकि हाइट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ जब दोनों क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया. यानी जो नया क्यूबॉइड फ्रेम हो रहा है फॉर दैट लेंथ इज 8 cm, ब्रेथ इज 4 cm एंड हाइट इज 4. वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. सो डायरेक्टली गिवन है हमारे क्वेश्चन में, डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी विल पुट ऑल द वैल्यूज हियर, वी विल मल्टीप्लाई एल एंड बी, बी एंड एच, H and L, and then we will add all these, multiply the final result by 2. That will be the surface area of the resulting cuboid. Okay. एक चीज ध्यान देने की जो रहेगी, हमारे व्यूअर्स जो है क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से और हमारे साथ आंसर शेयर करें कि जो भी हमारे पास सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं और एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, सो द यूनिट विल बी स्क्वायर यूनिट्स एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम द यूनिट विल बी क्यूबिक यूनिट्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप कोई भी फॉर्मूला अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा फॉर्मूला जो है वो क्यूबिक यूनिट्स में ही चलता है. आप सोचेंगे कि हमने अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. यू माइट बी थिंकिंग कि यहां तो क्यूब है ही नहीं, बट वी कैन सी पाई इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज 22/7. आर स्क्वायर एंड एच दोनों की पावर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं सो 2 + 1 द होल पावर देयर इज क्यूब 3.
सो जब भी हम वॉल्यूम की डिस्कशन करेंगे इट विल बी क्यूबिक यूनिट्स, सरफेस एरिया के लिए इट विल बी स्क्वायर यूनिट्स, फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर और एनी साइड और रेडियस दैट विल बी जस्ट इन टर्म ऑफ द यूनिट्स मीन्स मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर. Now let us see this question again. A combined shape is there, a cylindrical tank with a conical shape above it. So ek baar graphic se dekhte hain statement jo hamare paas hai. It is a circular tank is in the form of a circular cylinder and a right circular cone above it. The diameter and the height of the cylindrical part are given to be 126 meter and 5 meter. Respectively, the total height of the tent is 21 meter. Agar tent ki total height, let us observe it carefully. Ye total height 21 meter hai. Hame given hai ki cylindrical portion ke liye jo height hai that is 5 meter. To kya hum easily conical portion ki height nikal sakte hain? Yes. Ji sir, what will be that? 16. तो इस तरह से हमने कंबाइंड शेप्स में से एक शेप की हेल्प से दूसरी शेप की हाइट कैलकुलेट की और हमें जो फाइंड करना है वो है क्या, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेंट इफ द कैनवस यूज्ड कॉस्ट ₹12 पर स्क्वायर मीटर. देखिए दो तीन आइडियाज हमें यहाँ से, हमें डायरेक्ट कहीं लिखकर नहीं दिया कि आपको सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, बट हमें दो तीन क्लूज मिल रहे हैं. ये क्लू मिल रहा है कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट्स तो हम सरफेस एरिया के लिए यूज करते हैं, तो यानी हमें समझ आ रहा है कि सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. दूसरा क्लू हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द टेंट, कॉस्ट ऑफ द टेंट, टेंट कहाँ लग रहा है. आप कहीं भी जाते हैं किसी मैरिज बर्थ के फंक्शन पे, किसी सर्कस शो में, तो टेंट कहाँ है, टेंट इज जस्ट ऑन द बाउंड्री और वो टचेबल है. So that is the area. यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए, we need to find the area of this tent. चलिए पहले हमने सोचा कि निकालना क्या है, एरिया निकालना है. अब हम देखते हैं कि एरिया निकालने के लिए वी डू हैव टू शेप्स, सिलेंडर एंड द अदर शेप इज अ कोन. तो इन दोनों ही शेप्स का एरिया निकालना होगा क्योंकि टेंट तो सिलेंड्रिकल पोर्शन पर भी है और कोनिकल पोर्शन पर भी है. सो व्हाट इट विल बी, pi r square h plus for the cone it is 1/3, I'm sorry, it is 2 pi r h. We are discussing about the area and I have written the formula for the volume. Volume नहीं, हम area calculate करेंगे. और area के लिए जो formula है cylinder के लिए 2 pi r h plus what is the formula for the cone, that is pi r एल. आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने यहाँ पर जो लिया है आर, दैट इज रिटन एज स्मॉल एंड दिस इज कैपिटल आर. व्हाई सो? और अगर ऐसे ही हमें हाइट लेना है, हम स्मॉल एच और कैपिटल एच, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर डन जस्ट टू डिफरेंशिएट कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दूसरी ऑब्जेक्ट की हाइट से अलग है. जैसे यहाँ पर सिलेंडर की हाइट है 5 meter बट फॉर द कोन इट इज 16 meter. तो हमने स्मॉल एच और कैपिटल एच से शो करके क्लियर किया है कि यस आई फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज. नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज हियर. हमारे सामने है कि रेडियस इज 5/2, डायमीटर इज 126 meter, सो द रेडियस इज 126 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 63. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5. फॉर द कोन हम इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेडियस फॉर द सिलेंडर एंड रेडियस फॉर द कोन बोथ आर सेम. सो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं. देयर इज नो डाउट इन दैट, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस इक्वल है. बट हाइट अगर हमारी यूज होती, अगर वॉल्यूम पूछी जाती, सो स्मॉल एच एंड कैपिटल एच. और यू कैन ऑल्सो से एच वन मीन्स इंडिकेशन मस्ट बी डिफरेंट, एच वन एंड एच टू. सो यू विल पुट ऑल द वैल्यूज हियर. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं L, L इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. स्लैंट हाइट हमारे व्यूअर्स को गिवन नहीं है, हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस 63, हाइट 16 एंड दिस इज द स्लैंट हाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर वी विल फाइंड
टोटल एरिया, और उस एरिया को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी एबल टू फाइंड कोस्ट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे राहुल जी. बिल्कुल. एंड आई विश माय स्टूडेंट्स टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. राइट. एंड आई थिंक ये जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज की है मुझे लगता है इससे ज्यादा हेल्प होगा ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, एक क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाए कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार वो फ्रेम कर लेंगे तो आसानी से हो सकेगा. चलिए हम वेट करेंगे कि कब हमारा ये नेक्स्ट सेशन हो और हम इस सेशन में जो आज रह गई हैं चीज़ें उन्हें कंटिन्यू करें. सविता जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपने आज मैथमेटिक्स का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका. जी धन्यवाद. हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन यही समाप्त होता है. आप कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं चैनल नंबर 10 पर लेकर अगला कार्यक्रम जो कि है हमारा सोशल साइंस का अगला सेशन लाइव. कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं थोड़ी देर में. नमस्कार.